नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यदि आप PRT, TGT, PGT या फिर नर्सरी टीचर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम के अंतर्गत यदि आपसे कंप्यूटर पूछ लिया जाता है तो उस कंप्यूटर के सिलेबस के विषय में बिल्कुल डिटेल में आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और सिलेबस के अंतर्गत दोस्तों मैं आपको जितने भी टॉपिक बताऊंगा तो इसके काफ़ी कम चांस है उस टॉपिक से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो अगर आप जी ये सारे के सारे टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लेते हैं तो अमूमन जितने भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग एग्जाम देखने को मिलते हैं दोस्तों, केवल यहाँ पर टीचिंग एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, TGT, PGT, PRT पोस्ट के लिए, तो काफ़ी कम चांस रहते हैं उससे बाहर आपसे पूछा जाए। और टीचिंग एग्जाम में दोस्तों आपके सभी विषय आ जाते हैं, आप केवल कंप्यूटर साइंस को छोड़ देने, क्योंकि दोस्तों वो तो सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले तो उनसे तो डीपली पूछा ही जाएगा। बाकी इसके अलावा आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं या फिर प्राइमरी पोस्ट के लिए बनते हैं, ठीक है। तो जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ काफ़ी कम चांस है उससे बाहर आपसे कुछ भी आपको देखने को मिले। और दूसरी बात दोस्तों, आपने कुछ जगह सुना होगा कि कुछ 400, 500, 700, 800 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 700, 800 नहीं, 300 से 500 आपके मान के चल सकते हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं ऐसा तो है नहीं 40-50 आते हैं। अगर KVS की अगर मैं बात करूँ तो इसमें केवल आपके TGT की बात करूँ 10 क्वेश्चन आते हैं केवल, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन के लिए अगर 300-400 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हो तो ये काफ़ी हद तक ठीक रहता है। लेकिन दोस्तों उसमें ये रहता है कि जो आप क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, तो एक तो वहाँ पर ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और अगर मान के चलो वहाँ पर एक्सप्लेन करने से आपको समझ में भी आ रहा है तो एक सिस्टमेटिक रूप से नहीं आपको समझ आ पाएगा, है ना। अगर आप शुरुआत से लेकर चलोगे तो आपको धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से समझ आने लगेंगी, और कल को जब आप किसी भी टीचिंग एग्जाम को देने बैठोगे वहाँ पर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांस बन जाएंगे कि आप उस क्वेश्चन को सही कर दो, ठीक है। अब इसे बिल्कुल लाइट नहीं लेने की केवल 10 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं और जो सब्जेक्ट है उन पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल आप जो ज़्यादा नंबर के आपके सब्जेक्ट हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे तो 10 नंबर का आ रहा है और दोस्तों सिलेक्शन के लिए तो एक एक नंबर की आपको ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसे लाइट नहीं लेना है, और जितने भी मैं आपको टॉपिक बताऊँगा दोस्तों आप अपने हिसाब से भी सर्च कर लेना। बाकी अगर मेरे पास समय रहा तो मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करा दूँगा, क्योंकि दोस्तों कोई ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर का सिलेबस नहीं है, 8 से 10 टॉपिक है और वही 8 से 10 आपकी क्लासेस लगने वाली है, तो उसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको बिल्कुल बेस पता चल जाएगा, ठीक है। तो मूल यानी कि बेस पता होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर आप MCQ वगैरह करते हैं या फिर किसी भी तरह आप पिछले वर्षों क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आप देखोगे तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आपका बेस मजबूत होगा। और दूसरी बात दोस्तों ये भी होती है कि कंप्यूटर जब आप करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आपको केवल एग्जाम पास करने के लिए करना है, जो भी आप कंप्यूटर पढ़ोगे तो आपके भविष्य में आपके काम आ जाए इस उद्देश्य के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये मत सोचना कि आप अगर कंप्यूटर मतलब पढ़ा और मतलब एक बार सिलेक्शन हो गया तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर दोस्तों आपके उन्हीं टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है जो कुछ अच्छे स्कूल होते हैं, मतलब अच्छे तो सारे होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, ठीक है। बाकी स्टेट के कुछ स्कूल होते हैं दोस्तों, वहाँ तो आपको बस मतलब अभी भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में यही है कि वहाँ तो शायद ही आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़े, लेकिन जैसे केंद्रीय विद्यालय होगा KVS, NVS वगैरह होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको निश्चित रूप से आपको लैपटॉप तो लेना ही पड़ेगा सिलेक्शन के बाद, क्योंकि जब आप बच्चों को पढ़ाओगे, क्योंकि आजकल स्मार्ट टेक्नोलॉजी का ज़माना है और गवर्नमेंट को जो टीचर चाहिए वो भी स्मार्ट ही चाहिए, क्योंकि वही होता है तो उसमें कम समय में अधिक अधिगम करा पाएंगे आप बच्चों का, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल आपको भी एक स्मार्ट टीचर बनना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी होगा कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ऐसे पढ़ना है दोस्तों ताकि आपके भविष्य में काम आ जाए, ठीक है, इस उद्देश्य के साथ पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कोविड के चलते काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन क्लास होने लगी थी आपकी स्कूल्स की, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, अब बाकी भविष्य में ऐसा ही रहेगा, ठीक है। आप बेसिक उससे पढ़ा सकते हैं, ठीक है, मतलब कुछ अगर जैसे आपका स्टेट वगैरह में सिलेक्शन हो जाता है तो अगर गवर्नमेंट प्रेशर नहीं बना रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें दोस्तों, टेक्नोलॉजी हम सभी के लिए होती है तो आपको निश्चित रूप से उसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक पता होगा तो आप निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आप PPT वगैरह सेंट्रल स्कूल में तो जैसे मैंने आपको बता दिया हमेशा आपको जरूरत पड़ती रहेगी, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो मैं आपको सारा का सारा सिलेबस बता देता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता है ना तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको जितने भी टॉपिक्स बताने वाला हूँ इन्हें अपना कंप्लीट कर लेना, बाकी मैंने आपको बता दिया मेरी पूरी कोशिश रहेगी अगर समय मिला तो जितने भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 8 से 10 क्लास में आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वही है, आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बताने, कब आया, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया और इन्हें लाने वाले कौन थे, ये मतलब भविष्य में आपके आगे ज़्यादा इस्तेमाल ले आने वाला, ठीक है। बाकी एग्जाम की दृष्टि से आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड आपका है
फंडामेंटल्स हो, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी कि आपके यहाँ पर हार्डवेयर की बात की जा रही है, वही दोस्तों हार्डवेयर आप जानते हैं, मदरबोर्ड हो गया आपका, सीपीयू हो गया और रैम हो गई, एसएमपीएस हो गया, और प्लस आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर काफ़ी ज़्यादा हुई, तो सारे के सारे हार्डवेयर है, तो इसके बारे में इधर चर्चा की जाएगी। बाकी तीसरा हम बात करते हैं, तीसरे टॉपिक का आपका, आपकी मेमोरी हो गई, राइटिंग पर दोस्तों थोड़ा सा मत जाना, ठीक है। तो मेमोरी वही दोस्तों आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे आप मेन मेमोरी बोलते हैं, बाकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसके अलावा आपकी हार्ड डिस्क हो गई, और जो आजकल एसएसडी चल रही है, पेंड्राइव वगैरह, ठीक है, जितनी भी स्टोरेज वगैरह हो गई, और मेमोरी में आपकी रैम, रोम वगैरह, ठीक है। तो सारी इस बातों पर आप देख लेना। अगला टॉपिक है आपका दोस्तों सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में क्या होता है दोस्तों, इसमें वही है जो आपके सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, ठीक है। मतलब एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सबसे पहले तो आपका हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं आपके, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका एमएस ऑफिस वगैरह आ जाते हैं, जिसमें आपका एक्सेल हो गया, और आपका वर्ड हो गया, वर्ड हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और पावर पॉइंट वगैरह होगी, ठीक है। और भी कुछ जो टीचर्स के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, इससे आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो जो आपका एमएस ऑफिस है वो इसी टॉपिक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अगला आपका है दोस्तों लैंग्वेज। अब आप जानते हैं, आप और हम बात करते हैं, हमारी अलग लैंग्वेज होती है, बाकी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। तो जैसे कि आपने सुना हो कंप्यूटर की जावा हो गया, आपका HTML में हो गया, ठीक है, और L+ वगैरह होगी, हाई लेवल और लो लेवल वगैरह, ठीक है। तो कंप्यूटर की अलग होती है आपकी। और इसके अगला चलेगा आपका, इससे अगला टॉपिक लेगा आपका नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम दोस्तों वही है, ये लैंग्वेज में आप ही चल के मान सकते हैं, क्योंकि जो आप जानते हैं कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। मतलब आप और जो हम बात करते हैं, जैसे आप कुछ टाइप करते हैं तो वो तो बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन यूजर की दृष्टि से ये मान के चलते हैं कंप्यूटर वाले कि आपको HTML वगैरह आती है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल बातें, लेकिन बस आप ये ध्यान रखना, जो आपकी जो यूजर की जैसे जो लैंग्वेज मैंने बताया आपको जावा हो गया, ठीक है, HTML वगैरह हो गई, तो ये यूजर की होगी, बाकी जो मशीनरी लैंग्वेज होती है वो नंबर सिस्टम में ही आती है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की बिल्कुल बेस से, जो बिल्कुल स्टार्ट से होती है ना, तो वो आपकी ये वाली लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में जब पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको पता चल जाएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब वही जैसे आप जानते हैं, ठीक है, जनरेशन किस तरह से कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ, मतलब पहले कैसे कंप्यूटर थे। टोटल ये शायद आपकी 5 जनरेशन है, ठीक है, वर्तमान में जो चल रही है वो 5वीं चल रही है, यही आपके लिए उपयोगी है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेना पहले कैसी जनरेशन थी, जनरेशन 1, 2, 3, 4, 5 किस तरह से विकास हुआ, मतलब क्या ज़रूरतें थी, फिर किस तरह से, मतलब जो ज़रूरतें थी, या फिर मतलब वही था दोस्तों, पहले जो कंप्यूटर आते थे आपके काफ़ी बड़े आते थे और उनकी स्पीड भी धीरे होती थी, तो बस यही जनरेशन बदलने का यही था कि कंप्यूटर की तो साइज़ छोटे हो जाए और जो उनकी स्पीड धीरे है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका हो जाएगा सारा का सारा। इससे अगला होगा आपका टाइप ऑफ कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर्स के आपको टाइप बताने हैं, ठीक है, मतलब इस तरह से आप विभाजित कर सकते हैं कि एक तो आपका जैसे कि उद्देश्य की दृष्टि से, और दूसरा साइज की दृष्टि से, तीसरा आपका कार्य की दृष्टि से, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, जैसे कि आपके चलते हैं, मतलब एक तो मेन फ्रेम हो गया, ठीक है, फिर मिनी हो गया, माइक्रो हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गए, क्वांटम कंप्यूटर आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बाकी जो हाल फिलहाल में आप और हम चलाते सिस्टम, ये होते हैं हमारे माइक्रो, ठीक है। बाकी जितने भी मैंने आपको बताया वो सारा का सारा पता चल ही जाएगा आपको, जो यूज़ में दिखा लें किस पर्पज़ से कर रहे हैं, ठीक है, जनरल पर्पज़ से या फिर स्पेसिफिक किसी विशेष कार्य के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सारे के सारे इसमें आपको पता चल जाएंगे। और अगला है आपका नेटवर्किंग, ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो नेटवर्किंग में वही दोस्तों, मतलब किस तरह से नेटवर्किंग का स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इसके अंतर्गत ही आपका आ जाता है इंटरनेट। अब नेटवर्किंग इंटरनेट दोस्तों यही है, मतलब आप जानते हैं जो आप इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ऐसे तो आता नहीं, पूरा का पूरा जाल फैला पड़ा है,
ठीक है, और बेस स्टेशन इनके बना रखे हर देश में, पहले शायद यूएसए से स्टार्ट हुआ था अमेरिका से, तो उसके बाद ये नेटवर्किंग पूरे धीरे धीरे सब में आने लगे, ठीक है, भारत में तो बहुत बाद में आई थी, तो जो भी चल रहा था खैर कोल ये तो अलग बात है, ठीक है। तो यही है दोस्तों सारा का सारा नेटवर्किंग, कैसे आपकी वैन लैन मैन, ठीक है, आपने सुना होगा ना लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, और पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो जितनी भी आप कनेक्शन लेते हैं, ठीक है, और इंटरनेट में वही डायलअप कनेक्शन हो गया आपका, ठीक है, किस तरह से आप कर रहे हैं, आप ब्रॉडबैंड ले रहे हैं और भी तरह के कनेक्शन होते हैं, ठीक है, नेटवर्क वगैरह हो गया, ठीक है, जो भी आपका चलता है, इंटरनेट इंट्रानेट होता है एक आपका, ठीक है, एक्स्ट्रा नेट वगैरह होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इंटरनेट में पढ़ लेंगे। तो यही है बस दोस्तों आपके 10 टॉपिक, इन टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लोगे तो पूरी संभावना रहेगी भविष्य में कोई भी अगर आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। अगर सारे टॉपिक आप कवर कर लोगे इसके बाद जब आप दोस्तों एमसीक्यू सोल्व करने बैठोगे तो आपका अलग ही कॉन्फिडेंस होगा आपके दिल में, और आप देखना सारे के सारे आप क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दोगे। आपको समस्या होगी तो दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ क्या होने वाली है। आप क्या करोगे, अगर इंग्लिश में कर सकते हो तो फिर तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी, ठीक है, अगर हिंदी में सोल्व करोगे ना तो वहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा समझने में समस्या हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं ना, ये जो इंग्लिश होती है बस उसे फॉन्ट चेंज कर देते हैं, उसका मतलब जो हमारी जो देवनागरी लिपि होती है उसमें लिख देते हैं, बाकी सेम रहता है, तो थोड़ा सा समस्या हो जाती है। कुछ बार इतना ज़्यादा मतलब एक बिल्कुल एक जो शुद्ध हिंदी होती है ना उसमें ट्रांसलेट कर देते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादा समस्या हो जाती है, ठीक है, जैसे वायरस को बोल देंगे और डिफॉल्ट जो होता है आपका उसमें कुछ और ही बोल देंगे वो, ठीक है। तो अगर आप हिंदी के अच्छे ज्ञानी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बाकी अगर आप इंग्लिश में सोल्व कर सकते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हिंदी में ही करना है और हिंदी में आप अच्छे ज्ञानी भी नहीं है, ठीक है, शुद्ध हिंदी भी नहीं जानते, तो बस यही काम करना, पहले हिंदी का क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर थोड़ा सा अगर आपको समझ नहीं आ रहा थोड़ा एक बार इंग्लिश पर नज़र मार लेना, अगर थोड़ा बहुत समझ आएगा उसके आधार पर ही आप आंसर कर देना, और फिर यही हो सकता है दोस्तों, और तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, बस ये सारे के सारे टॉपिक आप क्लियर कर लेना, बाकी मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों 10 क्लास या 8 से 10 क्लास में आपके सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट करा दूँ, और कोई ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होने वाली है, और बिल्कुल आपका दोस्तों एक जो बेस होता है ना वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, भविष्य में जब आप एग्जाम दोगे तो आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और जो भी अभ्यर्थी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर आप कंप्यूटर अपना क्लियर करना चाहते हो तो उन अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें उससे संबंधित टीचिंग मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो उस टेलीग्राम पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। बाकी अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए, तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो चैनल तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।